सॉरी एनएमसी वालों को कि जो रनिंग प्रोजेक्ट है ना उसका नाम लिख के करे तो आपकी सर्टिफिकेशन अप्रूव हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर होना यार, ये क्या तरीके पे है इस तरह फजूल किस्म की करा रहे हैं, ना कोई फायदा है ना कुछ। दूसरा यार वो प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं करा रहा ना, आज मैं परसों लैपटॉप खोलने लगा था। प्रैक्टिकली होना चाहिए ना, हम आए लैब खोले के जी आज हम हाइपर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, आज हम ADDS कॉन्फिगर कर रहे हैं, आज हम ये सर्विसेज कॉन्फिगर कर रहे हैं भाई। और उसके स्विचेस का भी कोई खास आइडिया कोई नहीं है इसे सर, इनके पास वो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमें पढ़ाने का, ठीक है ना भाई। हमसे तुम पैसे फिर किस चीज के ले रहे हो, अगर बिजली भी तुमने नहीं देनी भाई, जो कंप्यूटर भी तुमने नहीं देना, तो हम खाने के पैसे दे रहे हैं, हेल्प करो भाई। ये मैं मंडे को बात करता हूँ बड़ा सीरियसली से बजा से कि सर ये नहीं है, ये अगर आपने नहीं माननी तो मैं डायरेक्टर को डायरेक्ट बताता हूँ कि तुम लगा रहे, ठीक है ना। बाद में ये बात मैं इस तरह कहूँगा कि डीजी तक खुली ना तो फिर बेस्ती होगी सबसे, कि फजूल में करा रहे हैं टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा, नॉलेज बढ़ेगी। यार एक महीने का ट्रैक है सीधा सीधा, बंदा पढ़ाए अगर डेढ़ घंटा ना, हर रोज एक रोल पढ़ा दे, ठीक है, और उसको कॉन्फ़िगर कर दें उस रोल को, यही हमने सीखना है ना। ऐसे ही है ना, हमने बैठ के थ्योरियाँ पढ़नी है, पर इसका तो फायदा ना, इसे सुकून से आधा घंटा पढ़ानी है थ्योरी ना, कोई काम करना है चले जाना। देखो ना जब आप रोल कॉन्फ़िगर कर रहे होगे ना तो 100 यकियां आएंगी। एग्जैक्टली, आप करते वक्त नहीं असल में सर सीखेंगे भी करते वक्त, थ्योरी मुझे अब याद हो गई, मुझे इसका कोई फायदा नहीं, मैं इंटरनेट से वो घर में देख। हाँ मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये वाली हमने पढ़ी थी ना अभी पिछले सेमेस्टर में नेटवर्क सिक्योरिटी में, ये सर अब जैसे जैसे ये बोल रहा था मुझे सारा रिवाइज हो गया, इसी तरह तुम सबने पढ़ी होगी ये DNS की। बात ये है ना कि हमारी उससे रेलेवेंट हमारा काम ही है ना, नहीं है ना यार, हमारा जिस चीज से काम है मैं वो कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस में करते हम करते रहे, फजूल काम है, मैं तो नहीं कर रहा बहुत। यार मैंने उसे इसीलिए कहा है कि स्पीडी करो यार, ये क्या है हम उधर ही फंसे हुए हैं। 18 जून से ऑनवर्ड मैंने एक छुट्टी नहीं की और कख भी नहीं है अभी तक। रेट जो पढ़ाया वो उठा सीधा पढ़ा के मैं लिटरली, ये रेट मुझे सरासिब ने पढ़ाया था जब मैं नया नया आया था रेट से, उनकी टीम में जब गया ना ओरिएंटेशन, उन्होंने कहा यार रेट ही होता है, सारा रेट पढ़ के मैं घर गया, मैंने सारा रेट पढ़ लिया, मुझे उस वक्त से याद था यार रेट को पढ़ाने वाली चीज है। अगर ये SXI पढ़ लेते ना ज्यादा अच्छा बेहतर होता, वो पढ़ लेते वो एटलीस्ट हमारे एनवायरनमेंट चल रहा है, कल को हम ये कहने जोगे होते कि यार ये SXI पे ले आओ वी सेंटर, ये वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, मैनेज हो जाएगा, हम आपको कन्वर्ज कर देंगे, पैसे बचाएंगे आप, इसके बाद हम यही कहने जोगे। हाँ यार विंडोज 2000, अच्छा विंडोज तो लेनी नहीं है, C4i वालों का ये सीन है, उन्होंने जब कहा ना ये एक्सचेंज सर्वर रखता, ये मैंने वो अच्छा मुनी ग्रुप कैप्टन अच्छा मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर देखें सिंपल सा सीन है, आपने एक्सचेंज सर्वर प्रोक्योर कर रहे हैं तो वो है तकरीबन $4,000 का लाइसेंस, ठीक है, मैंने कहा वो आप लोग प्रोक्योर कर लें तो आपका ये पूरी एक्टा का जो है ना एक्सचेंज सर्वर आ जाए। कहते नहीं ये प्रोक्योर तो आप दिमाग से निकाल देते, क्रैक वर्जन डाउनलोड चलाना ही क्रैक पे है तो फिर तो डाउन भी होगी चीज। अभी वो एक्रोनिस वाली प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक देनी है, एक्रोनिस वाला जो तुम लोग बैकअप लेते हो, हाँ जो उसमें अभी वो प्रपोजल दिया है ना, तो उसमें होना यही है। अच्छा एक्रोनिस का आप लोग बोर्ड खरीदना चाह रहे हैं? एक्रोनिस नहीं खरीदने देंगे ना, एक्रोनिस का लाइसेंस का सुना।